आप हमारे वीडियोस देखते हैं और आप उसे बहुत पसंद भी करते हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी भी आप में से 90% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प होती है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली और मुंबई इन दो महानगरों के बीच बन रहा है एक एक्सप्रेसवे। लगभग 1350 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूरा बनने के बाद बन जाएगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। आज हम देखेंगे इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार जेएनपीटी सेक्शन के पैकेज 14 और 15 का प्रोग्रेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1350 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा और भविष्य में इसे 12 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन राज्यों से गुजरता है। इस हाईवे को 4 सेक्शंस में बांटा गया है और 4 सेक्शंस है। सेक्शन 1 DND से बल्लभगढ़ से सोहना, सेक्शन 2 सोहना से वडोदरा, सेक्शन 3 वडोदरा से विरार और सेक्शन 4 विरार से JNPT। इनमें से विरार JNPT के 92 किलोमीटर सेक्शन के पैकेज 14 और 15 का प्रोग्रेस आज हम देखने वाले हैं। पैकेज 14 शुरू होता है विरार के शिरसाड़ के पास, फिर यहाँ पर आता है नेशनल हाईवे 48 पर एक इंटरचेंज, फिर आगे बढ़ते हुए ये हाईवे तानासा नदी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ इस केलथान गाँव के पास वापस ये हाईवे इस तानसा नदी को क्रॉस करता है, फिर आगे इस नेशनल हाईवे 848 को पार करके ये हाईवे वड़पे होते हुए पहुंच जाता है आमने, और यहाँ पर ही नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग आकर मिल जाता है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ। यहाँ आमने गांव में पैकेज 15 समाप्त होता है और यहाँ से चालू होता है पैकेज 16। अब इसी पैकेज 14 और 15 का प्रोग्रेस देखते हैं। यह है शिरसाड़ गांव और यहाँ पर इस नेशनल हाईवे 48 के ऊपर बन रहा है एक इंटरचेंज। ये इंटरचेंज क्लोवर लीफ टाइप का इंटरचेंज होगा। अभी इस इंटरचेंज के मेन आर्म पर गर्डर इरेक्शन चल रहा है और इस इंटरचेंज के बाकी आर्म्स का अभी अर्थवर्क की प्रोग्रेस में है। आगे बढ़ने पर यहाँ ये हाईवे तानसा नदी को क्रॉस कर रहा है। इस ब्रिज का अभी पियर कास्टिंग का काम चल रहा है। आगे बढ़े तो ज्यादातर जगह पर अभी आपको सिर्फ अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम ही देखने मिलेगा। कई कई बीच में PQC लेइंग हो चुकी है। यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के गर्डर इरेक्शन का काम अभी प्रोग्रेस में है। इस ब्रिज के लिए गर्डर्स को यहाँ पर स्टॉक करके रखा गया है। आगे यहाँ पर अभी लैंड एक्वायरेशन पेंडिंग है। आगे कलमभोन और निम्बावली गांव के पास वापस काम का प्रोग्रेस देखने मिलता है। यहाँ पर एक और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जिस पर अभी गर्डर इरेक्शन चालू है।
फिर आगे इस केलथान गांव के पास एक लंबे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर यह एक्सप्रेसवे एक बार फिर से तानासा नदी को क्रॉस कर रहा है। आगे ज्यादातर जगह पर आपको अर्थवर्क का ही काम देखने मिलेगा। आगे ये एक्सप्रेसवे इस वज्रेश्वरी रोड के ऊपर से आगे बढ़ता है और यहाँ पर बन रहा है एक इंटरचेंज। इस इंटरचेंज के मेन ब्रिज का गर्डर इरेक्शन का काम हो चुका है और बाकी अर्थवर्क का काम अभी पेंडिंग है। यहाँ पर पैकेज 14 समाप्त होता है और यहाँ से चालू होता है पैकेज 15। आगे देखे तो मेन स्ट्रक्चर्स का काम कहीं पूरा हुआ है तो कहीं काम कंटिन्यूसली आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर देखे तो PQC लिंक तो हो चुकी है, आगे भी हमें अर्थवर्क और बीच बीच में स्ट्रक्चर्स का निर्माण होते हुए दिख जाएगा। यहाँ पर भी PQC लिंक हो चुकी है। आगे ये एक्सप्रेसवे आनगांव के पास क्रॉस करता है नेशनल हाईवे 848 को। इसके बाद भी आपको लगातार काम होते हुए दिख जाएगा। आगे इस पाइपलाइन रोड को क्रॉस करके ये एक्सप्रेसवे पहुंच जाता है वड़पे। आगे देखे तो यहाँ अभी काम चालू नहीं हो सका है क्योंकि अभी यहाँ पर लैंड क्लियर नहीं हुआ है। ये हाईवे वड़पे होते हुए पहुंच जाता है आमने और यहाँ पर ही नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग आकर मिल जाता है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ। यहाँ आमने गाँव में पैकेज 15 समाप्त होता है और यहाँ से चालू होता है पैकेज 16। अगर इन दोनों पैकेज 14 और पैकेज 15 को वापस देखें तो हर एक जगह पर आपको कंटिन्यूअसली काम होते हुए दिख जाएगा। और प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो यस, प्रोग्रेस काफी पॉजिटिव है और काम में गति भी है। दिसंबर 2024 ये इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मार्च 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर शेयर करें। ये था इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार JNPT सेक्शन के पैकेज 14 और 15 का प्रोग्रेस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और इसे अपने दोस्त और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।